और पहले तो काफी ज्यादा थी इसकी, तो काफी तंग करता था रिपर पे, सुपर शीडर पे, तो एक यही वजह थी जो है चेंज कराने की। राम राम भाई, सारे भाई है ना भाई, तो आपका स्वागत है भाई आज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है, पूरा देखिए, क्या पता काफ़ी काम आ जाए आपके। तो जैसा कि आपने पहले देखा था, हमने एक पहले भी यहीं पे एक वीडियो शूट की थी जो है चाल की। एक ट्रैक्टर था हमारा F31 और एक है F8 सुपर मैक्स, जो कि 14 के टायरों में आता था। तो पिछली बार 3 ट्रैक्टर थे, लेकिन अब की बार अपने 2 ही हैं, तो वो ट्रैक्टर थोड़ा सा नहीं मिल पाया हमें, तो उसको कभी आगे उसकी जो है वीडियो बनाएंगे। लेकिन पहले जो वीडियो बनाई थी वो बिना गियर के चेंज के थी, अब जो हमने इसकी जो है T20 की जो गिरा रही है वो चेंज करा दी है। तो अब जो वीडियो है ये अब देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ा है पहले से और अब में। मैं पहले आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा साइड में, और फिर साइड में ये वीडियो भी दिखाऊंगा कि पहले से और अब में कितनी चाल कम हुई है। लेकिन भाई ये सुपर मैक्स तक को कहाँ तक जा चुका है, और अगर मतलब ये मान लो 50% का फर्क है। तो भाई देख सको, यो था अपना छोटा छोटा गेयर, ठीक है। तो इसका मैं ये दन्नू तो है रहे हैं उरा है, F31 का और F41 का तो रहा इतना बिचार, उसका देख लो भाई कितना बिचा हो गया, बहुत ज्यादा बिचा हो गया। आपने देख लो उरा तैरो कितनी आगे निकली है, और ये दन्नू रह गए हैं, इनका सिर्फ इतना नाम मात्र बिचा है। तो ये भी तरीके आपने देखा था कि पिछली बार जो है काफी डिफरेंस था, ट्रैक्टर जो है काफी आगे निकल रहा था, वो वाला ट्रैक्टर काफी आगे निकल रहा था, थोड़ा नहीं ज्यादा डिफरेंस था, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि कितना डिफरेंस जो है दोनों ट्रैक्टरों का घटा है, तो चलिए देखते हैं। जो है सबसे मेन चाल जो है इस गियर की थी, वैसे हम पहले नॉर्मल पहले लोग ही नहीं देखेंगे, सभी गियरों की T20 में ही देखेंगे, ठीक है। तो कितना फर्क हुआ है इस गियर की जो है गिरारी चेंज की है, जितनी चाल मतलब इसकी कम होती है तो इतनी ही इसकी होनी चाहिए, लेकिन इसकी इतनी क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें 7 में आते हैं 14 के टायर, और अभी हमने जो इसमें 16 के टायर डाल रखे हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें टायर जो है बड़े हैं, और उसमें अगर 14 के टायर इसमें होते तो पूरा पता लगता था। एक बार चलिए देखते हैं। तो दोनों के 15-15 RPM करेंगे, 1500-1500।
भाई वो आपने देख लिया, हमने इस बार सभी गियरों की चेक नहीं कराई क्योंकि जितना डिफरेंस इस गियर में आया था तो सभी गियरों में T20 में हल्का हल्का सा बस इतना ही डिफरेंस होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना डिफरेंस था पहले तो आप पहले वाली वीडियो जाके देख लेना, लेकिन ये है चाल जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही कम हुई है, बिल्कुल खरा उतरा है ट्रैक्टर उस चीज़ पे, क्योंकि थोड़ा सा ये आगे निकल रहा था तो उसकी वजह ये थी कि इसमें पहले जो है 14 के टायर थे अभी 16 के डले हुए हैं। अगर हम इसमें 14 के टायर ही डाल देंगे तो बिल्कुल दोनों की चाल बिल्कुल सेम हो जाएगी, बिल्कुल सेम। और पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी इसकी, तो काफ़ी तंग करता था रिपर पे, सुपर सीडर पे, तो एक यही वजह थी जो है चेंज कराने की। और इस पर मैं बता देता हूँ आपको कि खर्चा कितना आया था, क्योंकि कई भाइयों का भी सवाल था भाई खर्चा ही बता देना, तो चलो खर्चा बता देते हैं। तो दोस्तों इसकी जो है 12 हज़ार रुपये की जो इसकी गिरारी आई थी कंपनी में से मैंने जो है ऑर्डर लगवाया था, और ये मेरे 15 में मेरा कंप्लीट हो गया था, मतलब लेबर समेत सब काम समेत ये जो है 15 में कंप्लीट हो गया था। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों कई बार मिस्त्री बाहर के काफ़ी, अभी आप कोई आप में से अगर बदलवाने जाता है और बोल दे कि 50,000 लगेंगे 40 लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है 15,000 रुपये में अपना जो सारा खर्चा आया था, अगर कोई 1,000-2,000 की चलो कोई बात नहीं 16-17 में हो जाए, लेकिन इससे ऊपर अगर कोई आपको बोलता है तो उसमें बिल्कुल भी फायदा नहीं है आपका, यही खर्चा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और सबसे मेन बात पता क्या होती है, अभी जैसे और ट्रैक्टरों की चाल कम होती है एक अलग गियर लगा देते हैं उसको, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये फार्म ट्रैक की यही है कि अगर किसी के पास है तो इसमें पता भी नहीं लगता कि क्या करवाया है क्या नहीं, जो अपना T20 गियर होता है उसी से सब कुछ होता है, ये कंपनी का ही सारा काम, इसमें ऐसा नहीं कोई भी जुगाड़ होता है, तो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ थी ये, मैंने कराई है तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है। बाकी F41 के साथ हमने पिछली बार देखी थी, कोशिश करेंगे अगर आगे टाइम लगा तो F41 के साथ इसकी एक बार और देखेंगे, लेकिन रिजल्ट जो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी खुशी मिली कि काम किया। पहले मैं सोच रहा था कि क्या पता शायद इतनी ना कम हो, लेकिन कम अच्छी खासी चाल जो हो गई, आपने देखा पहले वाली वीडियो में और अब वाली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर कोई सुझाव हो या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे उसको अगली वीडियो में कवर करें। जय हिंद, जय भारत।